Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 10 of English language. The chapter name is Irregular Verbs in Simple Past. अब हम आज verbs के बारे में पढ़ेंगे. Verbs क्या है? देखते हैं नोट में क्या दिया है. A regular verb changes its form in the same way as most verbs. The past tense and past participle of a regular verb take सेम फॉर्म, दे एंड इन ईडी. रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करते हैं. नॉर्मल जो आपका वर्ब होता है वो पास्ट में भी चेंज हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल में भी चेंज होता है, और उसमें एंड होता है. मोस्टली वर्ड्स एंड होते हैं ईडी के साथ. अब जैसे वॉश है, वॉश नॉर्मल आपका वर्ब हो गया, इसमें अगर हम इसको पास्ट करेंगे तो ईडी हो जाएगा. कुक्ड है, देखिए कुक नॉर्मल वर्ब है. वर्ब क्या होता है? किसी भी काम को, कोई भी काम आप जो करते हैं वो वर्ब होता है, क्रिया. क्रिया मीन्स काम, और वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया. तो किसी भी काम को हम वर्ब कहेंगे. जैसे वॉश, कपड़े धोना. कुक मीन्स खाना बनाना. हेल्प मीन्स मदद करना. तो जब हम इसका पास्ट बनाते हैं तो हम उसको या तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं या तो उसमें ईडी लगा देते हैं. एंड इरेगुलर वर्ब डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म इन यूजुअल वे. ये अपने फॉर्म को यूजुअली चेंज नहीं करते हैं. द पास्ट टेंस एज पार्ट पार्टिसिपल ऑफ मोस्ट इरेगुलर वर्ब डू नॉट टेक सेम फॉर्म. देखिए, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस जो होता है वो इरेगुलर वर्ब होते हैं, वो सेमली अपने फॉर्म को चेंज करते हैं, सेम फॉर्म में नहीं रहते हैं. देखिए यहाँ प्रेजेंट दिया है, फिर पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है. बाइट, बिट, बिटेन. सी, सॉ, सीन. हाइड, हिड, हिडन. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. स्टील, स्टोल, स्टोले. इसी तरीके से बहुत सारे वर्ब होते हैं जिनके हमारे टू फॉर्म्स होते हैं, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कभी भी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनता है, वो तीनों फॉर्म में सेम रहते हैं. जैसे कि आपका है कॉस्ट, 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 कॉस्टेड नहीं होता. कट, 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 इसका भी कोई सेकेंड फॉर्म नहीं होता, पास्ट टेंस नहीं होता. हिट, हिट, हिट. हर्ट, हर्ट, हर्ट. हर्टेड नहीं होता. पुट, पुट, पुट. ऐसे ही बहुत सारे वर्ब आपको मिलेंगे जिनके सेकेंड फॉर्म नहीं होते हैं. अब हम आगे देखेंगे. देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पर. इसमें क्या दिया है? प्रेजेंट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ आपके वर्ब हैं, इनको आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है. इसको आप बुक में फिल कर लीजिएगा. देखिए राइट का दिया है रोट, टेक का है टुक, स्टील का है स्टोल, हाइड का है हिट, और ड्रॉ का है ड्रिव. इसको आप बुक में कर लीजिएगा. नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है. बिलो आर सम वर्ब्स गिवन, राइट द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग देम इनटू पास्ट फॉर्म. ये देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं, इसको भी आपको बुक में ही करना है. एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी आपको बुक में ही करना है, ठीक है? यहाँ दिया है कुछ वर्ड्स आपके, लीव, मेक, बाइट, कैच, गो. इनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं पास्ट टेंस में. तो ये मैंने लिख दिया है, इसको आपको कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ बुक में करना है. ये दोनों एक्सरसाइज आपको बुक में करना है. नेक्स्ट हम चलेंगे आपके फिलअप में. देखिए ये फिलअप है. प्रांजलि प्लीज ऑफ योर ऑडियो बेटा. फिल इन द ब्लैंक्स है. इसमें देखिए ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स आपके दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. देखिए ब्रेक का हो गया ब्रोकन. क्यों हुआ? क्योंकि हैज हैव जो होता है हमारा, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसीलिए हमने यहाँ ब्रेक का ब्रोक ना करके ब्रोकन कर दिया. यहाँ पर भी हैव है लेकिन रीड का रीड ही है, इसको पढ़ते हैं रेड. लेकिन इसमें चेंजेस, स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं आते पास्ट टेंस में. मनीष हैज इम्प्रूव्ड
और यहाँ पर देखिए फोर्थ सेंटेंस में कोई हैज हैव नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा दिया है। थर्ड सेंटेंस में हर्ट का, जो कि पास्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं, इसलिए हर्ट का हर्ट ही हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आप कॉपी में करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाली, ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट, ये आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए एक्सरसाइज बी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिखना है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। ये आपका होमवर्क है, इसको सिर्फ बुक में करिएगा और आपका होमवर्क है ये, ठीक है। जैसा कि आपको पता है मैं एक एक्सरसाइज कॉपी में आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। तो ये सिंपल चीज़ है, अगर आपको आपने पढ़ा होगा पहले तो आपको ऑलरेडी आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो आपके पास बुक है या गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, इसको लिखिए और एंड ऑल्सो लर्न इट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, बिलो आर सेंटेंसेस री राइट देम इन सिंपल पास्ट, इसको भी मैंने कर दिया, इसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है सेंटेंस को इजिली। यू कैन राइट इट ऑन योर बुक, डोंट राइट इट ऑन योर कॉपी। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज, सर्कल द इरेग्युलर वर्ब विच बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। अब इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को सर्कल करना है, इसको भी आपको बुक में करना है, ठीक है। ये सारे जो वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, बिल्ट, रेन, न्यू, रोड, टोर, ये हमने सर्कल कर दिया है, इसको आपको बुक में करना है। तो अभी तक मैंने कॉपी में करने के लिए सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आपको बताई है, वो है फिलअप, और बाकी ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी में जो नहीं करना है वो आपको लर्न नहीं करना है, लर्न आपको सब करना है, ठीक है। तो चलिए आज हमने क्या पढ़ा कि वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब को हम सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म कहते हैं। यू विल हैव टू लर्न इट, ऑल द फॉर्म्स दैट यू कैन यू शुड लर्न। चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, विश वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास टुमारो, टिल देन कंप्लीट योर होमवर्क, गुड डे।